अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये वीडियो जो है ना, कल जो वीडियो डाली थी उसी का आधा पार्ट वीडियो है, क्योंकि कल बन गया था इतना बड़ा वीडियो कि मैं सोची एक साथ मैं डालूँ नहीं, आधा आधा पार्ट में डाल दूँ। अगर उतना बड़ा डाल देती ना तो कोई देखता भी नहीं। अब बड़ी वीडियो रहती है ना तो जल्दी कोई पूरी वीडियो देखती भी नहीं है। 10 मिनट 11 मिनट की रहती है तो सब देख भी लेता है। तो मैं नहीं डाली, आधा पार्ट इसका डाली। मैं बोली आधा पार्ट कल डाल दूँगी। तो उसी दिन की ये वीडियो है। यहाँ पे बिरयानी बनाने की तैयारी चल रही है, तो आज बिरयानी मैं बनाऊँगी। और ये मसाला यहाँ सील पे ही पिसाता है, मिक्सर पे आओ सील पे पिसा हुआ मसाला का ना खाना बहुत टेस्टी बनता है। जितना मिक्सर में पिसा हुआ का था टेस्टी नहीं बनता है, उतना सील पे पिसा हुआ का। मेरे को उत्ता सा दे दो बस। चक्कू खा लिया ना ले रहे गुड़िया, ले रहे खुशी, आफिया भी खाएगी ले और साल से। आ जाओ जिसको जिसको चाहिए आ जाओ। तौफीक कौन नकली तौसीफ भाई को बोला, तौसीफ भाई को बोला ला ओको तनी बड़का ना दे। तौफीक आ जा बाबू। ये चिकन बिरयानी बनाऊंगी अभी मैं। तो आज खाना मैं बना रही हूँ। तो बिरयानी की रेसिपी तो मेरी मालूम है आप सबको, कितनी बार मैं बताई हूँ। सोची यहाँ बना रही हूँ तो फिर से बता दूँ। हल्दी तो इसमें हल्दी डाल दी हूँ, अभी नमक डाल दूंगी। वही सेम तरीके से मैं बनाऊंगी। यहाँ भी बच्चे लोग मेरे मोहल्ला की हुए थे ईद में, जो मैं बनाई थी बिरयानी उसके बाद से नहीं बनाई और इधर आ गई। तो ये आज 2 दिन से तौसीफ मेरा बोल रहा था तो सोची आज बना देती हूँ। तो ये सबको मिक्स करके मैं छोड़ दूंगी। यहाँ के हल्दी में ना कलर नहीं रहता है, हम लोग के यहाँ के हल्दी में कलर बहुत ज़्यादा आता है। थोड़ा भी अगर डाल दो हल्दी तो कलर अच्छे से आ जाता है। थोड़ा सा आ जाना हल्दी। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, कलर आया नहीं है हल्दी का। तो ये सब मिला के आप छोड़ दूंगी आधे घंटे, जब तक मसाला की तैयारी कर रही है मैं भाभी में। तो अभी इसको आधा घंटा ढक के रख दूंगी, उसके बाद मसाला की तैयारी भाभी कर रही है, उसके बाद इसको बनाती हूँ फिर बताती हूँ। यहाँ पे प्याज फ्राई करने को मैं रख दी हूँ और यहाँ पे आलू उबलने को रख दी है। आलू इसलिए उबाल रही हूँ, यहाँ एक बार बनाई थी चिकन तो बहुत सीन हो गया था, बताऊंगी अभी। आई ये मसाला पिसा गया है, इसमें पिसा है प्याज टमाटर अदरक और लहसुन और काली मिर्च जीरा, ये सब पिसा गया। अभी जो सूखा मसाला होता है पाउडर वो सब डालूंगी इसमें। तो ये आलू ना इसलिए मैं ये उबालने चढ़ाई हूँ, मैं तो वहाँ बनाती हूँ तो आलू उबाल के नहीं बनाती हूँ, डायरेक्ट मसाला में डाली के भून देती हूँ, आलू गल जाता है। लेकिन यहाँ का आलू नहीं गलता है। एक बार मैं बनाई थी ना बाजी के यहाँ, बाजी बोली थी आओ, उस टाइम ना बाजी का दामाद भी यही था, वो बनाई थी अल्लाह इतनी ज्यादा रह गया। मैं बना डाल दी थी इसी तरह कि गल जाएगा, जैसे मैं वहाँ बनाती हूँ कि गल जाएगा मसाले में, लेकिन आलू नहीं गला, इतना पत्थर आलू था। तो इसलिए अभी मैं इसको उबाल लूंगी हल्का,
कि थोड़ा गल जाए, थोड़ा सा फूड कलर डाली हूँ इसमें उबाल की कलर थोड़ा आ जाएगा आलू में। तो आज ये तौसीफ के फरमाइश पे बन रहा है बिरयानी। बोले चलो यहाँ भी बच्चे लोग खा लेंगे, ऐसे तो बनते रहता है यहाँ भी, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं बनता है, यहाँ भी बना जब खाना खाने का मन होता है तो सब बनाते ही रहते हैं, लेकिन मैं अपने हाथ का बना के सोची अभी खिला देती हूँ सबको। तो ये बिरिस्ता फ्राई कर रहे हैं इसको, वो ऊपर से बिरयानी के ऊपर से डालने के लिए इसको फ्राई करके निकाल लूंगी, फिर अलग पतीली में चिकन का मसाला तैयार करूंगी। ये इसमें अभी धनिया पाउडर डालूंगी, और मिर्ची पाउडर, यहाँ इसी तरह सब डब्बे में मसाला सब रहता है बड़े बड़े डब्बे में, हल्दी, ये यहाँ गरम मसाला पाउडर नहीं है, मिला भी नहीं, मैं ढूंढवाई भी तो भी नहीं मिला, तो अखा गरम मसाला है ना वो डाल दूंगी, काली मिर्च या जीरा तो इसमें पिसाया ही है, तो अखा गरम मसाला डाल दूंगी हो जाएगा। मैं तो वहाँ गरम मसाला पाउडर भी डालती हूँ, लेकिन यहाँ है नहीं, जो है उसी में नहीं, बिरयानी मसाला यहाँ मिला। ये चिकन अभी मसाला ना मैं भून ली हूँ क्योंकि लाइट चला गया था उसको तो दिखा नहीं पाई, तो मसाला सेम जैसे मैं भूनती हूँ पूरा बिरयानी का। आपका आपको देखना है तो मेरे पहले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें भी बताती मैं पूरा, लेकिन क्या करूँ लाइट चला गया तो नहीं बता पाई। तो अभी इसमें चिकन डाल दूंगी इसमें, तो अभी इसको पकने दूंगी क्योंकि पानी छूटेगा ना, तो अभी धीरे धीरे भूनूंगी इसको, सुबह तो पे पकेगा चिकन भी गलेगा। अभी यहाँ पे आलू भी उबाल ली हूँ, ये तो बिरयानी जब पूरा तह लगाऊंगी तो उस पर से डालूंगी। तो यहाँ पे गैस पे खाना बनाते बनाते मैं चूल्हा पे आ गई थी, क्योंकि गैस ना बहुत स्लो जल रहा था और बहुत लेट हो जाता, अगर गैस के इसमें रहती तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, तो मैं क्या करी कि चूल्हा जलवा ली, चूल्हे पे गोश्त थोड़ा भून ली थी गैस पे, उसके बाद चूल्हा जला के चूल्हे पे चली गई खा बनाने, चावल बन उधर चावल चढ़ा दी थी, इधर गोश्त भून रही थी, उसके बाद चावल हो गया, तो पूरा मैं चिकन उकन भी गैस ही पे तैयार करी, और वही था अंधेरा हो गया था बनाते बनाते बिरयानी। ये है उसके सुबह की वीडियो, जो सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बच्चे लोग नहा रहे थे तो थोड़ा सा वीडियो निकाल ली, आज अब ये बच्चे लोग का नहाना हो गया था तो हम लोग भी बारिश ही में नहाए, बहुत मज़ा आया, लेकिन खूब बहुत ज़ोर से बारिश भी हो रही थी, तो बारिश में हम लोग नहाए, नहाने के बाद वो उसी टाइम भाई मेरा मछली लेके आ गया था, तो उसके वाइफ की बच्ची रो रही थी, तो मैं बोली मैं साफ़ कर देती हूँ मछली, गरई मछली था, वही आप सबको दिखा रही हूँ कि ये गरई मछली है, तो वही मैं साफ़ करने को बैठी, मैं बोली साफ़ कर लूँगी तो फिर अच्छे से नहा लूँगी। तो यहाँ पे नौसाद आ गया था तो पूछ रहा था खाला अम्मी कहाँ से गरई मछली मिल गया, मैं बोली अभी बारिश हुई थी ना तो बारिश में आंगन में गिरा, वही हम लोग पकड़ के इकट्ठा किए, बोला कहाँ गिरा, खाली आंगन ही में आपके गिरा, बाहर नहीं गिरा, बोली नहीं बाहर नहीं गिरा था, बारिश आंगन में हुई थी तो आंगन में गिरा, वहीं से पकड़ के बना रही हूँ। तो ये बारिश का गिरा हुआ नहीं है, वो भाई मेरा खरीद के लाया था, क्योंकि यहाँ सुबह सुबह बाज़ार लगती है, पहले शाम में लगती थी, अभी सुबह में बाज़ार लगने लगी है, तो सुबह चला गया था वो बाज़ार,
तो वहीं से लेकर आ गया था, तो मैं साफ़ कर दी थी क्योंकि छोटी बच्ची है, उसको भी ना अब बारिश उरिश हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा वो भी परेशान हो जाती है, तो बोली थोड़ा बहुत तो हेल्प कर ही सकती हूँ, तो ये मछली धोकर साफ कर कर दे दिया। ये मछली ना बहुत दिन हो भी गया था मुझे खाए, तो मैं ही बोली थी कि गरई मछली मिलेगा ना तो लेके आ जाना, तो ये गया मार्केट में दिखाई दिया तो लेकर आ गया। ये तोसीय पा तौफीक को ना ये मछली खेलने लगा था पानी में डाल डाल के, तो इतना ही था आज का। आप फिर देखती हूँ अभी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो न्यू है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और जो भी की वीडियो डालूँ मैं उसकी नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। देखिए तौफीक और तौसीफ दोनों जिंदा जिंदा एकदम मछली थी, दोनों इसमें डाल के पानी में खेल रहे थे। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।